तो फिलहाल अपन जा रहे हैं इसका सस्पेंशन का चेंज करवाने, क्योंकि बोला था तो वेट करने बोले तो तब देखा है कॉल लगा तो सुबह तो बोला तो किया गया है आके गया है अरेंज करवाए हम बोले कि शाम तक करके देंगे देखते हैं। चलो बोल फिलहाल अपन आ गए थे कुलदीप भैया के ऑफिस में और इनको बोलते हैं तो चलो इनकी गाड़ी, अगर मेरे को गाड़ी छोड़ना पड़ा तो गाड़ी छोड़ दूंगा, पर पॉसिबल तो ये है मेरे ख्याल से कोशिश ये करेंगे कि तुरंत मिल जाए, सामने काम करवा लूँ मैं, और नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं। अगर छोड़ने बोलेंगे शाम तक का टाइम भी है, छोड़ने बोलेंगे तो फिर कुलदीप भैया की गाड़ी लेके जाएंगे और उसको छोड़ देंगे वहाँ पे, रिपेयर करके रखेंगे तो फिर यहाँ से पास ही है वो, उधर जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है पीछे इनकी गाड़ी से फिर वापस आ जाएंगे, फिर उनके चक्कर में मेरी लगेगी तो वो मेरे को बहुत बेकार, क्योंकि एक हफ्ते हो गए ना यहाँ, कोशिश करिए हो जाए, अभी तो मैं यहीं हूँ। आपकी फोर वी है, इसका रिफाइनमेंट ज्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू टू वी से, ये फोर वी है ना भाई। हाँ बात तो समझो, ये आपके जमाने का टेक्नोलॉजी नहीं, फोर वॉल में दे दिया तो थोड़ा रिफाइनमेंट बिगड़ गया, क्योंकि ये टू वॉल में ना जो मेरी गाड़ी के उसमें थोड़ा सा इन वॉल लगता है चलाने में, ग्राउंड क्लियरेंस तो सेम है, बस फोर वॉल आ गया है। ये नई गाड़ी है, वारंटी ऑफ रोडिंग करी नहीं हमने, नहीं ऑफ रोडिंग करी भी हो ये गाड़ी बनी भी अपनी संतुष्टि के लिए हमने, तो भाई गाड़ी सर्विस में दे दिया 6:30 बजे तक, एक सेकंड 6:30 बजे तक का टाइम दिया, आप देखते हैं। और भैया मिले थे, ये भैया मिले थे, इनसे ही मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये भी कम्युनिटी में अपने ज्वाइन होंगे धीरे धीरे आने वाले टाइम पे, इनके साथ भी राइड होगी, इनके पास भी एक्सपल्स 4 भी है तो इनकी भी सर्विस में डली थी, मिलके अच्छा लगता है कभी कभी, क्योंकि भाई लोग जब अपने से वाइब्स मैच होती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है मिलके। तो भैया अभी मिले थे, बस ये अपनी गाड़ी अंदर डली है, आप 6:30 बजे तक का सस्पेंशन का काम जो भी होगा चेंज करके देंगे, आप जैसा भी मिल जाए तो अच्छी बात है, वारंटी क्लेम हो गई है और पैसा भी तगड़ा लग रहा है भाई, समझ रहे हो ना, एक वारंटी बताएंगे नहीं, लेकिन बताएंगे नहीं पर क्या करें, दिल में पत्थर रखना पड़ता है, चला रहे हैं तो कोई नहीं। हाँ तो अपनी गाड़ी खड़ी है, काम चल रहा है फिलहाल, और सैडल बैग सैडल पैनल्स भी लग गए, देख लो आने वाले टाइम पे पूरा वीडियो इसको आपको देखने मिलेगा अपने चैनल में, पूरा बना के देखेंगे कि क्या क्या अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन है। और फिलहाल अपन ने टेस्ट ड्राइव भी ले लिया हार्ले की, और आने वाले टाइम पे उसका अच्छा वाला रिव्यू भी मिलेगा। तो फिलहाल अपन ने हार्ले डेविडसन की भी टेस्ट ड्राइव ले ली, फिलहाल अपन ने गोप्रो नहीं लगाया था, पर गाड़ी चला के भाई थोड़ा सा अच्छा सा लगा, क्योंकि गाड़ी में रिफाइनमेंट ये सब भी थी, और आने वाले टाइम में जो भाई से बात हो गई जो कराते हैं टेस्ट ड्राइव उनसे बात हुई है, तो कल परसों अपन को अच्छी अच्छी वाली टेस्ट ड्राइव देंगे लॉन्ग वाली, और फिलहाल गोप्रो लेके आएंगे ताकि अच्छा सा वीडियो शूट कर पाए। भाई मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी है सीधी गाड़ी शोरूम में, और कुलदीप भैया की गाड़ी से आके उनकी कार देखने फिर से कार सर्च करेंगे, फिलहाल अब ट्रू वैल्यू में एक बार और आके देखते हैं कि कहाँ कौन सी गाड़ी मिल जाती है। अगर वो आके डायरेक्ट बोलता करो बात कार के लिए बात मुझे ही करनी पड़ती है, कौन सी कार लेंगे सर बताइए आप, तो अपन आ गए ट्रू वैल्यू में गाड़ी का देखने कौन सी गाड़ी पसंद आती है क्या नहीं, फिर उसके हिसाब से देखेंगे, फिलहाल गाड़ी सर्च करेंगे कौन सी गाड़ी पसंद आ रही कैसी कंडीशन है, फिर उसके ऊपर हाथ रख के बोलेंगे ये बताओ कितने की है, अब भी पैसे लो और ख़त्म करो अब भी दो, क्योंकि भाई 3 दिन हो गए घूमते घूमते, कौन सी बताओ, ये देखो सियाज पीछे खड़ी है ख़त्म वाली कंडीशन में, वो ब्लू हालत खराब है, पर ये बड़े कुलदीप भैया ने सियाज को छेड़ दिया गाड़ी, टों 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 बजने लगी, उसको बंद करके भगाए हम लोग। वेंटो मिली है, गाड़ी जबरदस्त है और अपने बजट के अंदर भी आ रही है, फर्स्ट ऑनर मिल गई है, तो कोशिश ये करते हैं अगर ये अगर अच्छी गाड़ी मिल गई फर्स्ट ऑनर है, और बात ये है कि सेटिस्फाई रहेगी ये पता है, बोनेट खुलवाया है, नहीं है गाड़ी में ऑयल चढ़ता ना बाबू भैया स्टार्टिंग में, एक सेकंड ना इंजन में काम नहीं है, आप सेटिस्फाई चेक करवा सकते हैं, चेक करवाएंगे तो देखेंगे, फिलहाल तो इंजन में अनवांटेड साउंड तो आ ही रहा है, MT लोकल है ना, मैं बोला था ना जो भी होता अच्छा ही होगा और अच्छी मिलेगी, तो भाई एक गाड़ी अपन को पसंद आ गई है, और वो भी अपनी क्या बोलते हैं उससे वरना से भी ज़्यादा अच्छी है ना, तो बस यही है अपन को जाना है, बस उसकी टेस्ट ड्राइव लेना है,
और कम बजट में अपन को मिल गई है। सेम एयर की बात है, पर क्या है ना कि रिन्यू की बात आती है थोड़ा सा, अगर क्वालिटी की बात आती है तो हमें को लगता है कि हुंडई से ज़्यादा अच्छी रिलायबिलिटी ना फॉक्सवैगन देता है मेरे ख्याल से, और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी है। तो भाई साहब अपन ये देखो गाड़ी का सब, जो गाड़ी गए थे ट्रू वॉल्यूम कार भी देख के आ गए, एक और नई कार पसंद आ गई, पर ये फाइनल डील हो सकती है क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी उससे भी ज़्यादा बेटर कंडीशन में और ज़्यादा अच्छी कंडीशन में और अच्छी है, फर्स्ट ऑनर भी, और बड़ी पसंद भी आई है भाई को, ही पसंद आ गई है क्योंकि अब तो जो ना डील होने वाली है वो डायमंड होने वाली, फाइनल हो जाएगी शायद, पॉसिबल ये है, क्यों बोल दी फाइनल हो सकता है। थोड़ा सा इंजन से अच्छी निकल जा रही गाड़ी, जो बड़े बड़े हमारे जो गुरु हैं क्योंकि देखो भाई अपन को जो होता है गाड़ी लेंगे तो भाई मैन अगर सेकेंड हैंड गाड़ी है तो इंजन की मैन, अगर अपन को जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो इंजन के पार्ट्स होते हैं, अगर इंजन अच्छा है इसकी रिलायबिलिटी अच्छी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, तो बस वही चीज़ चेक करेंगे। अभी फिलहाल मैकेनिक को दिखाएंगे, अपनी गाड़ी भी जो डली थी शोरूम में डली थी तो वो गाड़ी अपनी बन गई एक्सपल्स, तो अभी उसका भी फ़ोन आ गया था तो उनका भी अब जाते हैं अपनी गाड़ी भी उठाएंगे। फिलहाल बोली भैया कि जो देख क्या है गाड़ी, वो गाड़ी तो आपने देखी ली कि कौन सी है, वेंटो है फिलहाल, फॉक्सवैगन वेंटो, और फॉक्सवैगन की तो भाई बात ही अलग है, रिलायबिलिटी तो भाई अच्छी ही होती है, टोयोटा फॉक्सवैगन स्कॉडा इन सब की तो बात ही नहीं, मारुति सुजुकी वगैरह तो फिर वो तो है भाई चलती है, पर गाड़ी चलाने चलाने पर भी डिपेंड करता है, और फर्स्ट ऑनर है, फिलहाल अपन गाड़ी लेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशन और फुल मेंटेन करवाएंगे तब जाके गाड़ी अच्छी होगी। फिलहाल कुछ इशू है, कुछ डाउट है तो वो जाके भी क्लियर करते हैं, फिर क्या है उसके बाद डील करेंगे, वो देखने में ली जाएगा। चले मालिक, फिलहाल अपन आ गए शोरूम में और गाड़ी वॉशिंग के लिए, और गाड़ी बन गई है फिलहाल, तो अपन देख रहे हैं सस्पेंशन डल गया है, नया नई सा दिख रहा है भाई, नई डला है ना, नई डला है तो सॉकअप डल गया है। फिलहाल अपन को बिलिंग विलिंग जो करवाना है सब करवाते हैं, और फिलहाल जब तक होगी गाड़ी वॉश, क्योंकि अपन को लग रहा था थोड़ा सा डाउट क्लियर करना ज़रूरी है बाबू, ये डाउट क्लियर करना ज़रूरी है, थोड़ा सॉकअप देखेंगे अभी फिलहाल चला के ही, ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज तो नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, ये तो हमारा काम ही है भैया, बहुत ये भाई मिल गया, धन्नो हो गई रेडी और भाई पॉलिश मार रहा है, थैंक यू भाई, इन्हें अच्छे से डाल धन्नो को पॉलिश कर दी एक बार, और फिर टीवी पे आएगा तू भाई सच्ची में भाई। तो भाई गाड़ी अपनी गाड़ी बन गई फिलहाल, और अपन आ गए कुलदीप भैया के लिए गाड़ी का देखने, और फिलहाल टेस्ट ड्राइव लेने, जैसी टेस्ट ड्राइव मिल जाती है तो अच्छी बात है, क्या कैसी कंडीशन है फिलहाल देखिए, पता चल के चला के देखेंगे, फिर कल मॉर्निंग का बोल रहे हैं चेकअप के लिए क्योंकि लेट हो गए थे, तो मैकेनिक के पास लेके जाएंगे कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जैसी आ जाती तो जैसी भी होगा पसंद आती है तो फिर कल डील डन करेंगे, अंदर बाहर दोनों सब लेके जाएंगे गाड़ी। टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और गाड़ी को बाहर निकलवा रहे हैं, तो इंजन का नॉइस इतना नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। चालू है, बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है, देखो मतलब इंजन में भी कुछ ऐसा वर्किंग वाला प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं, अनवांटेड साउंड नहीं आ रहा बिल्कुल, गाड़ी के पास भी पता हो चालू छू के पता चल रहा है, करना पड़ रहा है कि आपको गाड़ी का साउंड नहीं आ रहा है, नहीं तो ऐसा पता भी नहीं चलेगा। आके आपको मैं दिखा दूंगा, मेरे पास सारे पेपर्स रहते हैं पहले। चालू है, पता नहीं चल रहा है। पोलो से अच्छी भाग रही है, तो जो कल पोलो चेक करी है मैंने, नहीं उसका थोड़ा सा साउंड में इशू था, इसमें तो मेरे को साउंड में रिफाइनमेंट पता चल रही, उसका उसका साउंड थोड़ा सा अंदर पता चल रहा था पर इसमें नहीं पता चल रहा है, अभी शीशा खोल रखा सर, एसी बंद कर चालू करें, ब्रेक भी ओके हैं, देखना ये भी बहुत अच्छा है इसके, पता तुम्हें हां गाड़ी सर पसंद है थोड़ा सा, लेकिन टचअप ज्यादा है गाड़ी के अंदर, आप थोड़ा सा करवा दीजिए बस, बात कर रहे सीधे से नीचे चले, सीधे से पल के नीचे से नीचे चले,
साइड से पुल के बाद से सब दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे? अरे नहीं तो बाकी कंट्रोल की टेंशन आप सर जबलपुर में चला रहे हैं? नहीं जबलपुर नहीं चलाता सर, दिल्ली मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ बचपन से। ठीक है जनवरी 24 सॉरी 24 के अपनी गाड़ी की डील हो गई है फिलहाल, अब कल सुबह मॉर्निंग में जो कंफर्म करेंगे और जो गाड़ी की कंडीशन है और थोड़ा सा नेगोशिएबल करके भाई अपन ने और कम थोड़ा रेट करवा लिया है और कल जो डील होगी फाइनल होगी। पर गाड़ी पसंद आ गई है, पूरा सब चेक कर लिया अपन ने। फिर तो आप भाई पोलो से अच्छा है जो कल हमने पोलो को टाइप थी ना भाई। आप भाई मुझे पता चला था ये गाड़ी में जो बैठे थे ना पीछे, मैं बैठा भी होगा, मैं सामने बैठा था। अच्छा आप सामने? मैं सामने बैठा, मैंने खींचा था ना यहाँ। हाँ तो यहाँ तो अच्छी थी ना, वो पोलो में बैठ के गाड़ी का नॉइस पता चल रहा था इंजन का सामने डीजल फ्रंट पे, पर हाँ वो डीजल था ना, वो डीजल था पर ये पेट्रोल है, पर इसमें बिल्कुल नॉइस नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड कराया ना आपने? अपन फिर से रोज की तरह ऑफिस आ गए समझ रहे हो ना, क्योंकि जो भी पंचायत होती है जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं फिर सोचते हैं कि क्या करें। तो फिलहाल अपनी गाड़ी की डील हो गई डन, जो भी होगा कल कंफर्म हो जाएगा और कल ही अगर हो सकेगा तो डील डन होके अपने घर गाड़ी आ जाएगी और बस फैमिली मेंबर में गाड़ी देखने मिल जाएगी और गाड़ी अच्छी मिल गई है, डन हो गया डील, क्योंकि पसंद तो बहुत अच्छी आ गई है। क्योंकि अदर अभी तक जितनी मार्केट में गाड़ियाँ देखे सबसे अच्छी गाड़ी अभी तक तो वही मिली है और यही मिली है। क्यों वही? क्योंकि जो वरना देखे थे वो उतनी खास पसंद नहीं आई और अपन ने फिर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, क्योंकि पसंद थी बट क्या था उसको सेकंड ऑनर फल गया था, सेकंड ऑनर फल गया था और उसकी कंडीशन में बहुत दिन से खड़ी थी ना भाई, तो गाड़ी चल रही थी तो मतलब आवाज आ रही थी जैसे व्हील से आ रही थी, क्योंकि बहुत दिन से वो गाड़ी के व्हील जाम हो गए थे। तो वो थोड़ा सा मन भी कर रहा था, पर वो होता है ना 50-50 जब तक कंफर्म ना हो जाए दिल अंदर से बोलना देखने तो उसी टाइम डील डन हो जाती, पर जो भी बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, थोड़ा लेट ही सवेर सही है पर जो भी होता है वो बोलते ना सब्र का फल मीठा होता है। जल्दबाजी तो करना भी नहीं चाहिए भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अपने हमेशा यही सोचना चाहिए तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव वाली कहानी होती है। मैं भी इनको बोला था जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छी गाड़ी आएगी और आएगी और देखने मिल जाएगी। बस इसी को भी एक वीडियो को करते हैं, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और हार्ले डेविडसन भी जल्दी आएगी अपने चैनल पर रिव्यू के लिए, हो सकेगा तो फैमिली में भी ऐड हो जाएगी, पर ये नहीं 750। बाय बाय, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।